हेलो एवरीवन, इसका डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज का कटिंग बताएंगे, वो भी नाप से। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो कपड़े को पहले बगल में रख लेना है। अब यहाँ से इसे अच्छी तरीके से फैला लेना है और यहाँ से आपको पीछे से नाप ले लेना है, पीछे के पार्ट से। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है इसका 12 इंच और यहाँ पर चौड़ाई है 17.5 इंच और यहाँ से देखिए शोल्डर है 10 इंच। अब यहाँ से आपको गला भी ले लेना है, यहाँ से तिरछे में निशान लगा लेना है गले के लिए, तो 10.5 इंच है। और हम आगे का पार्ट नाप लेते हैं गले का। आगे का हम गला नापते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 6.5 इंच है। तो यहाँ पर इसका बाजू नाप लेते हैं, तो यहाँ पर इसका बाजू है 3.5 इंच है लंबाई, और यहाँ पर मुहरी कितना है बाजू का, तो 6.5 इंच है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एकदम कंप्लीट हम नाप ले लिए। अब चलिए हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम कपड़ा ले लिए हैं, अब कपड़े को फैला लेना है इस तरीके से। तो यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिए हैं, तो इसका पहले हम नाप लेते हैं। तो 17.5 इंच का डबल करेंगे तो 35 इंच आएगा है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर 17.5 इंच आया है। अब इसका चौथा भाग लेना है 17.5 का, तो यहाँ पर आया है 9 इंच। अब इसमें मार्जिन नहीं लगाए हैं, ये कंप्लीट है। तो यहाँ हमें 9 इंच भी निशान लगा लेना है पहले, ये देख लेना है ये कंप्लीट है। उसके बाद 3 इंच हम मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हम चौड़ाई ले लिए हैं, टोटल आ गया है 12 इंच। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले पीछे निशान लगाएंगे, पीछे वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर पहले हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है, जो हम नीचे की तरफ से फोल्ड करके तुरपाई लगाते हैं। ये बिना अस्तर वाला है, इसलिए यहाँ पर 1.5 इंच तुरपाई लगाने के लिए हम निशान लगाए हैं। अब इसके बाद हम पहले इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से लेंगे फिटिंग, जितना आपका लंबाई रहेगा उतना आप लेंगे फिटिंग। तो यहाँ पर हमारा था 12 इंच था, 1 इंच हम ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा ले रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मार्जिन जाएगा ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर ये भी निशान लग चुका है लंबाई। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जहां से निशान लगा है। तो ये मेरा पीछे का पार्ट निशान लग चुका है, जो हम लंबाई। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। ये 1.5 इंच इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये पीछे का पार्ट 1.5 इंच यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा तो ये तीरा लगेगा। आगे पीछे का पार्ट में तीरा नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पर फोल्ड करने के लिए लिए हैं। और यहाँ पर तीरा लगता है तो यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिए हैं कि तीरा में जो हम फोल्ड करेंगे। अब इस निशान को एक लाइन खींच लेना है बराबर देते हुए। तो यहाँ पर निशान लग चुका है। तो यहाँ पर जो सिंगल तीरा लगाएंगे उनके लिए ये निशान लगा है, और जिनको डबल तीरा लगाना है उनके लिए ये निशान नहीं है, उनके लिए यही निशान रहेगा जो बराबर है। हम आपको बताते हैं, ये देखिए जहां से ये वाला पीछे का पार्ट है वहीं से लेंगे हम। तब हम इसमें डबल तीरा बता रहे हैं, सिंगल तीरा नहीं बता रहे हैं फ्रेंड्स। अगर ये वाला गलत है, अगर आप सिंगल तीरा लगाएंगे तो नीचे की तरफ से जो फोल्ड होता है तुरपाई के लिए ये सही है, अगर आपको डबल तीरा लगाना है तो ये सही है। हम आपको बताते हैं। तो पहले हम शोल्डर लेते हैं, शोल्डर हमारा 10 इंच था तो उसका आधा आएगा 5 इंच। तो यहाँ से हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर बाजू जो एंड करते समय आधा मार्जिन में जाएगा 1/2 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं, इस तरफ से भी हमें 5.5 इंच पे बराबर दे देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर निशान लग चुका है 5.5 इंच पे। अब ऊपर की तरफ से हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब आपको ये देखिए यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा लेना है, और यहाँ से 1 इंच का बीच में निशान लगा लेना है, ये देखिए 1 इंच है। अब यहाँ से आपको गोलाई में शेप दे देना है अरमोल का। अब हम गले पे निशान लगाएंगे, तो हम गले पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये बिना डोरी वाला है।
अगर आपको और गला चाहिए तो 3 इंच भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको, तो यहाँ पर आपको शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा से। तो यहाँ पर देख लीजिए 2.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं गले के लिए। अब नीचे की तरफ मेरा था 10.5 इंच नीचे गला गिरा हुआ, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगाए हैं, तो नीचे की तरफ से 3 इंच लगाएंगे। तो यहाँ पर निशान लग चुका है 3 इंच पे। अब इस तरह से इस निशान को और यहाँ पर इस निशान को मिला लेना है एक लाइन खींच के। ये देख लीजिए इस तरीके से मिल चुका है। अब यहाँ से गोलाई में हल्का से शेप दे देना है, तो आपका आ जाएगा थोड़ा मेटका गले में, उसे गोल भी बोलते हैं, थोड़ा मेटके गले में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा गोलाई की शेप दे दिए, तो यहाँ पर खोलने के बाद मेटका भी आ जाएगा। और अगर आप चाहिए तो मतलब ना ज्यादा मेटका आएगा ना ज्यादा गोल में आएगा, एकदम अच्छी तरीके से आपको गोल शेप में आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे का पार्ट तो एकदम कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे आपको समझाते हुए। तो हमारा 9 इंच यहाँ पर था फिटिंग, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम 3 इंच लूजिंग लिए थे यहाँ पर इस तरीके से। तब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे निशान लगा के। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिए। अब यहाँ पर हम कटिंग करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जहां से निशान लगाए वहां से हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आर्मल कटिंग हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम बगल में रख लेंगे। अब यहाँ से हम पीछे वाला पार्ट को कटिंग करके अलग कर देंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो पहले मैं वाले कपड़े को इस तरह से बगल में रख लेते हैं, और यहाँ पर इसे कटिंग करके गले को निकाल देंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो चुका है, और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। हम इसको खोल के दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इस तरह से गोलाई शेप में आ गया है एकदम बढ़िया। और यहाँ से आप डोरी भी लगा सकते हैं, अगर डोरी भी नहीं लगाएंगे तो बहुत परफेक्ट बैठेगा, हम इसमें डोरी नहीं लगाएंगे। अगर इसमें आपको मेटका गला बनाना है तो हल्का से राउंड शेप में इधर से दे देंगे दोनों तरफ से, तो मेटका गला में आ जाएगा, हम इसे गोलाई शेप में दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए पीछे का पार्ट एकदम कम्प्लीट हो चुका है, अब इसे हम बगल में रख लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट में क्या करना है आपको, यहाँ से हल्का डाउन कर लेना है आर्मोल को, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक। तो इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे डाउन करते हुए। ऊपर से आपको डाउन नहीं करना है, करना है तो आपको नीचे से ये यहाँ से, ये देख लीजिए इस तरह से हम 1/2 इंच डाउन कर दिए हैं। अब यहाँ हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे 12 इंच पे, यहाँ से 12 इंच पे। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ ऊपर की तरफ से 1 इंच पे निशान लगा लेना है, और यहाँ में इस यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस देते हुए, और यहाँ थोड़ा गोलाई शेप दे देंगे। प्लेट लगाते वक्त थोड़ा टेढ़ा हो जाता है अगर सीधा करेंगे तो, इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे तो आपका टेढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको गोलाई में शेप दे देना है, देख लीजिए हल्का हम गोलाई में शेप दे दिए हैं। अब आपको प्लेट जो यहाँ पर लगाते हैं 4 डॉट, और यहाँ पर आपको टेढ़ा नहीं आएगा घटबड़ कप। तो यहाँ पर देख लीजिए तीरे के लिए निशान लगा लिए हैं। अब पहले हम गले के लिए बता देते हैं, तो हमें गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, और नीचे की तरफ से आपका कितना रखना हो आप रख सकते हैं। मेरा 6.5 इंच था, तो हम 6.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पे, नीचे की तरफ से 2.5 इंच पे सेम बराबर रखना है, ये आगे का गला है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको गोलाई में शेप दे देना है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर गोलाई में शेप दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। कटिंग करने से पहले एक बात हम और आपको समझा देते हैं, इसी में हम आपको डॉट लगा के बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल हमारा 9 इंच पहले फिटिंग था, चौड़ाई की बात करते हैं 9 इंच मेरा फिटिंग था, और 3 इंच हम लूजिंग लिए थे।
और हम यहाँ से एक इंच जो बचा है इसे भी हम ले लेते हैं लूजिंग में। लूजिंग में ले लिए हैं इसलिए कि जो हम यहाँ पर लगाएंगे निशान तो यहाँ पर 1.5 इंच का डॉट लगेगा, तो इसलिए लूजिंग में कपड़ा बहुत कम बचेगा। तो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आप छोड़ेंगे तो जो कस्टमर है उनको मोटाने में, अगर वो मोटा भी जाएंगे तो सिलाई मारे रहेंगे तो आप खोल सकती हैं उन, तो इसके लिए आपको बहुत परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर थोड़ा कपड़ा आगे की तरफ से 1 इंच जरूर ज्यादा छोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स लगता है, तो 1.5 इंच का प्लेट्स ही खींच लेगा तो लूजिंग कपड़ा आपका कितना बचेगा कि 1.5 इंच, उसमें भी 1/2 इंच मार्जिन भी चले जाएगा तो बचेगा 1 इंच, तो 1 इंच में आप लूजिंग के लिए कपड़ा क्या छोड़ेंगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर आगे के पार्ट में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और यहाँ पर आपको तीरे में मेरा टोटल था, मान लीजिए फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, 9 इंच हमारा फिटिंग था और हम 3 इंच लिए हैं लूजिंग, तो यहाँ तक इसमें से भी जो 1 इंच छोड़े इसको तो है एक्स्ट्रा कपड़ा, ये तो एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसमें से भी हम 2 इंच कम लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से इतना कपड़ा हमें कम लेना है क्योंकि हम यहाँ से प्लेट्स लगाएंगे उसके बाद ये कपड़ा कम आएगा। ये वाला कपड़ा एकदम परफेक्ट यहाँ पर बैठ जाएगा, जब ये 1.5 इंच इस तरफ से खींच लेगा तो यहाँ पर ये कपड़ा छोटा, ये इस तरह से जब हम प्लेट्स लगाएंगे तो ये तीरा आपका परफेक्ट बराबर बैठेगा, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा जो बचता है वो एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको कटिंग एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये वाले निशान हमें यहाँ तक लगा लेना है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अब हम करते हैं बात 4 डॉट की, तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच पे डॉट लगाना है। यहाँ पर देखिए पहले 9 इंच हमारा फिटिंग है तो 9 इंच आया, 9 इंच यहाँ पर मेरा फिटिंग है, तो फिटिंग से हम बात करते हैं। इसका आधे पे हमें लेना है आपका प्लेट्स लगाना है आपको, तो यहाँ पर आ रहा है 4.5 इंच। हम आपको समझाने के लिए ये स्ट्रिप बता रहे हैं कि आप फिटिंग से नापेंगे तो उसके आधे पे हम निशान लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम निशान पहला लगा लिए हैं, ऊपर की तरफ से आपको 2.25 इंच पे निशान लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहां से आपको 1/4 इंच इस तरफ से लेना है और 1/4 इंच यहाँ पर आपको इस तरफ से लेना है। अब यहां से ऐसे क्रॉस में निशान लगा लेना है और इस तरफ से भी आपको क्रॉस में निशान लगा लेना है। तो यहां पर देख लीजिए ये पहला डॉट निशान लग चुका है। अब हम दूसरा डॉट बताते हैं, तो यहां पर आपका देख लीजिए 4 इंच आ रहा है, तो यहाँ आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। इसको भी आप ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच का दूरी दे देना है ये यहाँ पे इस तरीके से, 1/2 इंच पे इसको 1/2 इंच ही दूरी रखना है। यहाँ पर आपको 1.5 इंच दूरी रखना है और यहाँ पर आपको दोनों तरफ से 1/2 इंच दूरी देना है। अब यहाँ से हम बात करते हैं ये तीसरे डॉट का, तो यहाँ पर आपको 3 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से और आपको 1/2 इंच इस तरफ से ले लेना है, 1/2 इंच इस तरफ से ले लेना है, ये आपको यहीं तक लगाना है ये वाला निशान, और ये वाला भी निशान यहीं तक लगाना है, और ये वाला भी निशान आपको यहीं तक लगाना है। अब यहाँ बात करते हैं चौथी डॉट का, तो यहाँ पर आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से और यहाँ पर इसका लंबाई लगाना है, ये देखिए ये यहाँ तक। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 डॉट लग चुका है। अब जहां से हम निशान लगाए वहां से हम कटिंग कर देंगे, तो पहले हम गले पे कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर गले पे कटिंग हो चुका है। अब हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला पार्ट कटिंग हो चुका है। तो आपको पहले यहां से अलग कर लेना है। अब क्या करेंगे आप, अब इसे आपको अब यहां पर देखिए इस तरीके से आपको हाथ से ऐसे ऐसे कर लेंगे तो दोनों तरफ आपका डॉट वाला निशान लग जाएगा, ये देख लीजिए इस तरीके से लग चुका है। हम इस निशान को गाढ़ा कर लेते हैं, तो यहां पर देख लीजिए ये वाला निशान इतना ही है, तो 4 डॉट इसमें भी लग चुका है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे हम बगल में रख लेते हैं। अब बात करते हैं हम तीरा, तीरा को आपको क्या करना है, ये देख लीजिए इस तरीके से,
आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बराबर देते हुए, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हम कपड़े को चार फोल्ड में रखे हैं, तो दो फोल्ड में ये देख लीजिए, ये है छोटा वाला पार्ट और दो फोल्ड में बड़ा वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कटिंग कर देना है। अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए तीरा कटिंग हो चुका है, इसे हम आपको खोल के दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जॉइंट नहीं है, आप नीचे की तरफ से जब हम आप जब बेल्ट बैठाएंगे तो इसमें जॉइंट नीचे की तरफ नहीं आएगा, और इसमें एक टिटिम्मा भी नहीं रहता है कि तुरपाई लगाइए फोल्ड करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल इसमें स्टिचिंग भी नहीं करना, बस इसमें रख कर इस तरीके से जॉइंट कर लेना है चार डॉट पर। तो यहाँ पर देख लीजिए ए पार्ट तो एकदम कंप्लीट तैयार हो चुका है, आगे का और पीछे का पार्ट, इसे भी हम देख लीजिए, हम आपको पूरे पार्ट दिखा देते हैं जो हम कटिंग किए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे का पार्ट हो चुका है और ये आगे का पार्ट हो चुका है, ये तीरा भी हो चुका है, ये तीरा भी हो चुका है, तो कंप्लीट आगे का और पीछे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम बाजू का कटिंग करने, तो यहाँ पर देख लीजिए जो बचा हुआ कपड़ा था तो यहाँ पर हम ले लिए हैं। अब कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड में करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, तो पहले आपको बराबर नाप ले लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं चौड़ाई हमारा कितना है, पहले हम कपड़े को चार फोल्ड में रख लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देख लीजिए एक दो तीन चार, चार फोल्ड में हम रख लिए। अब हम नाप लगा के दिखाते हैं कि हमारा चौड़ाई कितना है, तो आपको नाप कैसे लेना है ये देख लीजिए, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए निशान लगाना है, आठ इंच आ रहा है फिटिंग, इसमें से दो इंच इस तरफ से हम लूजिंग लगाएंगे, दो इंच इस तरफ से, तो आपको यहाँ पर दो इंच एक्स्ट्रा लगाना है, आठ इंच आ रहा है तो यहाँ पर आपको दस इंच रखना है, ये देख लीजिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग करके पहले निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम आपको दिखा देते हैं कपड़े को चार फोल्ड में रख लेना है, ये देख लीजिए दो तीन चार। अब हम बाजू का लंबाई निशान लगाएंगे, तो पहले हमें डेढ़ इंच भी निशान लगा लेना है जो हम फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए, और उसके बाद हमें साढ़े तीन एक चार इंच पे निशान लगा लेना है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम चार इंच पे निशान लगा लेंगे। टोटल हम आपको दिखा देते हैं कि टोटल आएगा हमारा छह इंच, और इस तरफ से रखना है, ये भी हम आपको समझा देते हैं इसी वीडियो में कि मेरा इस तरफ का कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए दो इंच आ रहा है, तो इस तरफ आपको ढाई इंच रखना है। अब यहां से आपको गोलाई का शेप देते हुए बाजू पर निशान लगा लेना है, ये देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से निशान लग चुका है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है, तो यहां पर कटिंग हो चुका है। अब यहां से आपको अलग कर लेना है बाजू को, तो यहां पर डबल बाजू निकल चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ये देख लीजिए इसमें डबल बाजू निकल चुका है, अब यहां पर इस तरीके से आपको फैला लेना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये आगे का पार्ट में आधा इंच पे क्रॉस करके कटिंग करके निकाल देना है कपड़े को, सब लोग बोलते हैं इसे कटिंग भी और इसे छटिंग भी बोलते हैं, तो यहां पर आपको ऐसे आधे इंच पर आधे इंच पे ऐसे आपको ए यहां तक आपको कटिंग करके निकाल देना है, ये देख लीजिए इस तरीके से दो पार्ट को कटिंग करना है, दो पार्ट क्यों नहीं। और इसमें आपको हम एक बात और समझा देते हैं, इसका मोहड़ी कितना है, तो इसका मोहड़ी अपने नाप से ले लेंगे, पहले छह इंच है, तो यहां पर हमें आठ इंच पे निशान लगा लेना है, और यहां से आपको क्रास में कटिंग कर देना है। तो यहां पर कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, और यहां पर छोटे से कट लगा लेना है, इससे आपको पता चलेगा कि यहां पर आधे पे आपका है और इस तरफ आपका कटा हुआ है, मतलब छटा हुआ है और इस तरफ नहीं। तो फ्रेंड्स ये बाजू की कंप्लीट कटिंग हो चुका है, तो यहां पर देख लीजिए हम काज और बटन पट्टी के लिए कपड़ा ले लिए, कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिए हैं। अब यहां पर हम रख लेंगे आठ इंच लंबाई और चौड़ाई रखे हैं ढाई इंच,
इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है और यहाँ से इस तरफ भी कटिंग कर देना है। अब इसमें आपको अलग अलग कर लेना है काज पट्टी और बटन पट्टी। ये देख लीजिए इस तरीके से काज और बटन पट्टी कंप्लीट कटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो चुका है, अभी हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए पीछे का पार्ट हो चुका है और यहाँ पर आगे का पार्ट हो चुका है और यहाँ पर तीरा हो चुका है और यहाँ पर बाजू हो चुका है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट कटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।